कैमूर जिले में दुर्गा पूजा की तैयारी बहुत तेज हो गई है, जहां नवरात्रि पर्व को लेकर नुआव प्रखंड के मुख्यालय स्थित बक्सर मोहनिया पथ पर नुआव बाजार के जय बजरंग दुर्गा पूजा समिति द्वारा बाहर से आए पंडाल कारीगर आखिरी रूप पंडाल को दे रहे हैं। इसलिए समितियों की ओर से पूजा को अंतिम तैयारी दी जा रही है, जहाँ महाराष्ट्र के एलोरा की गुफाएं का स्वरूप कारीगर दे रहे हैं। वही पूजा समिति के कोषाध्यक्ष अभिमन्यु श्रीवास्तव ने बताया कि नवरात्रि पर्व को लेकर पंडाल का कार्य जोरों पर चल रहा है, जहां दुर्गा पूजा का पंडाल 4 लाख की लागत से भव्य और आकर्षक पंडाल बनाया जा रहा है। वही पंडाल के सटे दोनों सड़क के साइड से उत्तर व बड़े बड़े LED बल्ब से पूरे 1 किलोमीटर के दायरे में पूरा बाजार जगमगाता हुआ नजर आ रहा है। कैमूर से अभिषेक राज के साथ धीरेन्द्र गुप्ता की रिपोर्ट। का पंडाल बनाया जा रहा है, महाराष्ट्र का एलोरा गुफा के तट पर पंडाल बनाया जा रहा है। कितने कारीगर पंडाल बंगाल से आए हुए हैं। कितनी लागत आती है इस पंडाल को बनाने में? इसकी लागत 4 लाख रुपए है। ये कहाँ की गुफा बन रहा है आप लोग का पंडाल का? ये महाराष्ट्र का एलोरा गुफा है, उसी के तट पर बनाया जा रहा है। ये कितने दिन में आप लोग का काम फाइनल हो जाएगा? अभी यह काम अभी चल रहा है, काम अभी 2-3 दिन में फाइनल हो जाएगा। आपका शुभ नाम? हम इस कमेटी के कोषाध्यक्ष हैं, अभिमन्यु श्रीवास्तव। लागत कितनी आती है इस पंडाल को बनाने में? 3.5 से 4 लाख रुपए इसकी लागत। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? इस पंडाल के संघ का नाम क्या है आप लोग का? इस कमेटी के अध्यक्ष हैं रोशन जायसवाल और इसके संरक्षक हैं माननीय श्री द्वारिका प्रसाद जी। संघ का नाम क्या है, किस नाम से ये पंडाल बनाया जाता है? इस कमेटी का नाम है जय बजरंग दुर्गा पूजा कमेटी। ये कहाँ स्थित है? ये मोहनिया बक्सर पथ पर स्थित है, नुआ बाजार में स्थित है जी, नुआ बाजार।